हेलो गाइस, वेलकम टू टेक ट्यूटोरियल एंड दिस इज तन्मय। दोस्तों, रिलायंस जियो से एक नया न्यूज़ निकल के आ रहा है कि जो समर सरप्राइज ऑफर आप लोग 15 अप्रैल तक ले सकते थे, वो समर सरप्राइज ऑफर कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। यानी आप कुछ ही दिनों के अंदर अगर जियो का समर सरप्राइज ऑफर लेने के लिए 99 का प्राइम रिचार्ज एंड 303 का मिनिमम रिचार्ज नहीं किए तो आपको ये ऑफर शायद ना मिले। इवन ये भी कहा जा रहा है कि आज रात के 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, उसके बाद यानी कल से यानी 7 अप्रैल से ये ऑफर नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया है रिलायंस जियो वाले ने, बट ये हाँ ये जरूर वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक न्यूज़ सर्कुलेट किया है जहाँ पे दिखा जा रहा है कि वो लोग बताया है कि फ्यू डेज के अंदर ये रिलायंस जियो का सर्विस समर सरप्राइज ऑफर का जो फ्री एक्सटेंडेड सर्विस है वो बंद कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप अगर आज के आज या कल तक रिलायंस जियो का ऑफ़र नहीं लेते 303 मिनिमम पे करके, तो शायद आपको ये समर सरप्राइज ऑफ़र ना मिले। तो होप आप लोग जल्दी ही ये ऑफ़र ले लेंगे। ऐसा किया है रिलायंस जियो ने क्योंकि रिलायंस जियो का जो कंप्यूटर लोग है जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब ट्राई के ऊपर प्रेशर डाला था कि रिलायंस जियो ऐसे फ्री सर्विस दे के उन लोग का कस्टमर बिगाड़ रहा है। तो ट्राई ने इस प्रेशर में आके जियो को बोला कि आप अपने फ्री का जो ऑफ़र है वो उसको थम कर दीजिए और उठा लीजिए। इसलिए रिलायंस जियो ऐसा कदम लेने जा रहा है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप अभी के अभी जल्दी जाइए एंड रिचार्ज कर लीजिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।